नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? फिर आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ये कहानी एक कुम्हार की है, कुम्हार जो कि मट्टियों के घड़े बनाता है, मट्टियों के खिलौने बनाता है, मट्टियों के बर्तन बनाता है, और उसके काम में इतनी बारीकी है कि उसके बर्तन देखकर कोई भी मनमोहक हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसके बर्तन बिकना कम होने लगते हैं, उसके घड़े बिकने कम होने लगते हैं, अब उसको उतनी इनकम की आमदनी कम होने लगती है और उसका परिवार भी अच्छे से नहीं चल पाता। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, तुम एक काम करो, ये मट्टी का काम छोड़ो, बर्तन बनाने का काम छोड़ दो और तुम किसी शहर में जाकर कोई नौकरी कर लो। कुम्हार उस बात पे थोड़ा सा सोचता है और वो अपनी बीवी की बात मानकर शहर चले जाता है नौकरी करने। वो एक व्यापारी के यहाँ नौकर का काम करने लगता है। वो व्यापारी के यहाँ दिन भर झाड़ू पोछा, बाग की साफ सफाई, यही काम वो करते रहता है। लेकिन वो शाम को अपने रूम पर जाने के बाद मिट्टी का कुछ तो भी थोड़ा बहुत काम रोज किया करता है। इस प्रकार उसका जीवन यापन चलते रहता है। अब व्यापारी के यहाँ से जो भी उसे तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह में उसका घर भी चलते रहता है। एक दिन उसका सेठ उसे बताता है, व्यापारी उसे बताता है कि उसके बेटे का जन्मदिन है। तब ये नौकर सोचने लगता है कि व्यापारी के सारे अमीर दोस्त वहां आएंगे और वो लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट उस बच्चे को जरूर देंगे, मैं क्या दूं उस बच्चे को गिफ्ट। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक बहुत ही सुंदर मट्टी का खिलौना बनाता है और वो खिलौना लेकर वहां जन्मदिन में पहुंच जाता है। सारे महंगे महंगे गिफ्ट उस बच्चे के पास रखे हुए रहते हैं, अमीर अमीर लोग उस बर्थडे में आए रहते हैं। ये नौकर कुम्हार वहां जाता है, उस बच्चे को मट्टी का खिलौना देता है, खाना खाता है और वहां से चले जाता है। जब व्यापारी के सारे दोस्त और सब लोग वहां बैठे होते हैं और गिफ्ट को देखते रहते हैं, तभी उस खिलौने के तरफ सारे बच्चों का ध्यान जाता है और सारे बच्चे झगड़ा करने लगते हैं कि वो खिलौना हमें चाहिए, वो खिलौना हमें चाहिए। तब वो जो व्यापारी है वो सोचने लगता है कि ये मट्टी का इतना सुंदर खिलौना किसने दिया है। तब उन लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और उस व्यापारी को बताता है कि ये आपके नौकर ने दिया है। व्यापारी तुरंत उस कुम्हार को बुलावा भेजता है, कुम्हार से पूछता है कि तुमने इतना सुंदर मट्टी का इतना महंगा खिलौना कहाँ से लाया। तो वो कुम्हार कहता है, मालिक ये तो मैंने खुद बनाया है, मैं गांव में कुम्हार का काम किया करता था, मट्टी के खिलौने बनाना, मट्टी के बर्तन बनाना मेरा काम है। व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, क्या तुम मिट्टी के और खिलौने बना सकते हो? तो बोलता है, जी हाँ, और मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं और सारे व्यापारियों के दोस्तों को दे दिए जाते हैं। उसके बाद व्यापारी सोचता है, क्यों ना मैं मिट्टी के खिलौने का बिजनेस करूं, और वो मिट्टी के खिलौने का बिजनेस करने लगता है। वो कुम्हार सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाकर व्यापारी को देता है और व्यापारी वो सारे खिलौने को शहर में बेचता है। देखते ही देखते उनका धंधा चल पड़ता है और वो कुम्हार जो नौकर का काम कर रहा था, आज उसकी खुद की एक कंपनी होती है मिट्टी के खिलौनों की। दोस्तों, जिंदगी में कब तुम्हारे बदलाव आएगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर आपके पास कोई हुनर है तो आपके हुनर को एक दिन न्याय जरूर मिलेगा, जिस प्रकार उस कुम्हार को मिला। दोस्तों, अपने हुनर को हमेशा तराशते रहिए। अगर आप किसी भी चीज में पारंगत हैं, अगर आप चित्र बनाने में पारंगत हैं, तो आपने रोज एक घंटा चित्र बनाना ही चाहिए। अगर आपको खेलना अच्छा लगता है तो आपने रोज एक घंटा उस पर्टिकुलर गेम को देना ही चाहिए। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आपने रोज अपने पढ़ने को समय देना ही चाहिए। इस दुनिया में जो भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है वो अपने हुनर के कारण ही हुआ है और उसका हुनर ही उसे जिंदगी में आगे ले जाता है, क्योंकि वो काम करना उसे पसंद होता है। दोस्तों, अगर कहानी से कोई मैसेज मिला है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पर रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।